ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। जी हां, चंडीगढ़ को फ्री वेंडर जोन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत चंडीगढ़ से टिड़ी वाले और जो वेंडर्स हैं उनके लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा है। जिस प्रकार चंडीगढ़ में रोडों के किनारे लोग बैठे हुए हैं, फड़ी वाले बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार ने भी अपने मत आगे रखे और उनके लिए जगहें दी, दुकानें दी, पर उसमें भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते आज चंडीगढ़ के सेक्टर 19 की मार्केट के आगे वेंडर्स ने काफ़ी प्रदर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां वह सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं को पब्लिक के सामने रखा। मेरा नाम उमंग पुरी है। जो आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसा प्रोटेस्ट है ये? जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रशासन सारे डिसीजन ले रहा है वेंडरों के बारे में टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा, उस टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर जो पब्लिक मेंबर्स हैं चार, वो एक लीगल इलेक्शन के थ्रू नहीं किए गए हैं। एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था उनको एक इलेक्शन करवाने चाहिए थे जिसके अंदर सारे वेंडर वोटिंग करके अपने प्रतिनिधि चुन पाते, बट उन्होंने ऐसे कोई भी इलेक्शन नहीं करवाए हैं। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ना तो आज तक उन्होंने कोर्ट में कोई प्रूफ दिया है, ना ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई प्रूफ डाला है कि हमने इलेक्शन करवाए हैं। यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं, हमने लगभग 300 से 400 वेंडर्स के साइन कराकर कंप्लेंट जो दी है उसमें ये है कि किसी को इलेक्शन के बारे में पता ही नहीं है, किसी ने वोटिंग दी ही नहीं है, तो बगैर वोटिंग के आखिरकार वो इलेक्शन कहाँ हुए, कब हुए, उसका किसी को कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने इलेक्शन करवाए थे तो उन्होंने सारी डिटेल, पोलिंग बूथ की डिटेल, टाइमिंग डिटेल, वो सारी की सारी डिटेल दी थी। नामांकन पत्र जिसने भरे थे वो नामांकन पत्र के बारे में भी बताया था, लेकिन हमारे चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इसके साथ का कोई भी कागज़ नहीं है, कोई भी पेपर ट्रेल नहीं है, जो कि ये साबित करता है कि ये इलेक्शन जो थे बिल्कुल फ्रॉड थे। हम ये मांग करते हैं कि टाउन वेंडिंग कमेटी को भंग किया जाए, सही तरीके से इलेक्शन करा के हमें मौका दिया जाए कि हम प्रतिनिधि चुने, और फिर जो वो टाउन वेंडिंग कमेटी फैसला करेगी वेंडिंग जोन के बारे में या कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, उसको हम मानेंगे। इस मामले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कोर्ट को भी धोखे में रखा, उनको कहा कि हमने इलेक्शन करवा के टाउन वेंडिंग कमेटी बना दी गई है। हम इस बात को हमारी अगली हियरिंग जो कि 19 तारीख को है उसमें कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके अलावा हमें ये जो धमकी दी जा रही है कि 6 तारीख को हम उठा देंगे, के यादव साहब जी ने आज जो कमिश्नर हैं उन्होंने अखबार में बयान दिए हैं और रोज़ अखबार में खबर आ रही है, लाउड स्पीकर के थ्रू भी अनाउंसमेंट की जा रही है कि 6 तारीख को आपको उठा दिया जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को हमने नोटिस दिए थे आपको, लेकिन ये सरासर झूठ है। किसी एक भी वेंडर को 5 तारीख के नोटिस नहीं दिए गए। MC की वेबसाइट पर लगभग 1500 वेंडर नोटिस जारी किए गए हैं जो कि 7 तारीख, 9 तारीख और 21 तारीख के हैं, उसमें एक भी नोटिस 5 तारीख का नहीं है, जो कि झूठ बात आज के यादव साहब द्वारा जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा अखबार में कही गई है। तो चंडीगढ़ के वेंडर्स की बिल्कुल एक आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है और एक तरफा होकर के सारे फैसले टाउन वेंडिंग कमेटी कर रही है। आप अब किस किस के पास अभी जो आया शिकायत दी है? हमने कल ये शिकायत गवर्नर साहब को दी है, चंडीगढ़ एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर दी है, और हमने मेयर साहब को दी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हमने कंप्लेंट दी है, हमने मीडिया को ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया है जिसके पीछे हमारा कंप्लेंट लेटर है और किसको किसको वो CC हुआ, सारी डिटेल हमने दी है विद सिग्नेचर, सारे लोगों ने सिग्नेचर करके दिए हैं। ये देखिए, इन सब लोगों ने ये सिग्नेचर इस बारे में करके दिए हैं कि आज तक हमें पता ही नहीं है कि इलेक्शन हुए हैं और कभी कोई इलेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन तक किसी को नहीं है, लेकिन जो कॉरपोरेशन है वो ये क्लेम करता है हमने लीगल इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू TVC बनाई है, जो कि सरासर झूठ है और कोर्ट को भी धोखे में रखकर सारे शहर के साथ धोखा किया गया कॉरपोरेशन द्वारा। नहीं, माजरा से आए हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे को कितने 2-3 महीने हो गए हमारे साथ, और भी धक्के शायद ज़्यादा हो रही है अब तो। हमारे को बोलते हैं यहाँ से उठ के वहाँ जाओ IT पार्क के पास, हम IT पार्क में जंगल है सर, हम जंगल में क्या करेंगे, हम लेडीज हैं। देखो एक पासे तो सरकार बोल रही है हेल्पलाइन नंबर लो लेडीज के लिए, हमारे को फोन करो, कौन सा हेल्प कर रहे हैं हमारी, हमारे को जंगलों में तो धकेल रहे हैं, वहाँ हमारा किसी भी का भी बलात्कार भी हो सकता है, हमारे को मारा भी जा सकता है, वहाँ पे हमारे को लूट मार भी करी जा सकती है। हम 11 बजे अपना सामान बांध के घर जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं लेडीज को, क्योंकि हम रोड पे बैठे हैं, हमारे को वहाँ कोई डर नहीं क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, मार्केट में हमारे सारे बंदे अपने, हमारे को बिल्कुल डर नहीं लगता, वहाँ जंगल से हम कैसे आएंगे सामान बांध के, वहाँ काम भी है, वहाँ एक नंबर है, वहाँ काम तो बिल्कुल नहीं होएगा।
हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? आधी लेडीज उनके हस्बैंड नहीं है कि अगर एक दिन भी बैठ जाए तो हमारे सबसे ज्यादा लेडीज इतनी है कि उनके घर वाले नहीं है। ये लेडीज खड़ी है पास में, एक बेटी है, कमाने वाला कोई नहीं। ये लेडीज खड़ी है, इसके 5 बच्चे है, इसके घर वाला नहीं है। हम सब वहीं पे काम करते हैं सर। हम चाहते क्या, मांगे क्या? हमारी मांगे कि हम जहीं पे बैठे हैं हम वहीं उसी जगह में बैठे रहे, हम कहीं नहीं जाना। लेकिन आप संकेत नहीं बढ़ गई है, कुछ अवैध वेंडर बैठ गए हैं, उनको भी रहना जरूरी है? नहीं, सबकी रोजी रोटी है सर, सब पुराने बैठे हैं। उस टाइम लाइसेंस खाली कोई नहीं बैठा, सब शुरू से बैठे हैं। उस टाइम जिस टाइम लाइसेंस बने थे लड़ाई कर दी, कोई रास्ते चलता, कोई कूड़ा उठाता, कोई सब ने लाइसेंस बनाए। जब हमारी बारी आई बीच में हमारे को क्यों छोड़ा गया लाइसेंस बनाने के लिए? बनाए नहीं किसी, बना दिए किसी, आधों के लाइसेंस बनाए, आधों के लाइसेंस नहीं बनाए, क्यों बनाए? जो रास्ते चलते लोग थे उनके लाइसेंस बनाए, क्या आधार कार्ड दे के लाइसेंस बनते है? शुरू से देखो कौन बैठता है, चलते 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 लोगों के लाइसेंस बनाए। ये कोई सरकार हमारे साथ नहीं कर रही है। आगे जितने भी शहर के वेंडर हैं सब में इनमें तालमेल करके करा जा रहा है कि 17 सेक्टर MC का घेराव करके एक प्रोटेस्ट करा जाएगा, जिसमें हमारी ये डिमांड होगी कम से कम हमें हमारा हक दिया जाए। ना मैं बिशंबर लाल जी, क्या क्या है जी आपका? मैं 1964 से सिमाड़े में काम कर रहा हूँ बचपन से, है नी 1982 में आग लगी पहले, जब मैं फायर ब्रिगेड में, मेरे पास उसके सारे कागजात रिपोर्ट है। फिर 1993 में आग लगी, जब भी मैं मार्केट में, सारे मेरे पास मौजूद हैं डॉक्यूमेंट्स, है नी 20 साल मैं कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ, 20 साल से जब से केस चल रहा है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी कहाँ भेज, हाई कोर्ट भेजता है, कभी इधर लोअर कोर्ट भेजता है, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ। मेरा नाम सादुल कुमार है जी। जी आप क्या परेशानी है? मैं परेशानी सर, हम लोग 1975 से सर जी फिश मार्केट चल रही है हमारी सर, पहले 35 में थी, फिर उसके बाद सर जी हम लोग 42 में गांव अटावा में लगाने लगे सर, फिश मार्केट बेचने लगे सर वहां पे। तो फिर सर उन्होंने 2003 में सर जी ये हमारी मार्केट तोड़ दी सर, उसके बाद ठीक है सर हम इधर उधर भटकते रहे सर जी। बड़ी मुश्किल से हमने फिर इधर उधर से दौड़ के सर 43 में हमने फिर जुगाड़ करा सर जी, फिर हमने सर केस फाइल कर दिया सर। उसके बाद सर कोर्ट ने हमें ऑर्डर, इन्होंने म्यूनसिपालिटी को ऑर्डर दिया कोर्ट को कि सर इनको 2-3 हफ्ते में इनको कहीं पे जगह दी जाए, इनको बूथ अलाट किया जाए सर। तो जैसा कि आपने देखा कि चंडीगढ़ में वेंडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपनी अपनी समस्याओं को प्रेस के सामने रखा। आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस प्रकार, क्या चंडीगढ़ नगर निगम इनकी समस्याओं को का कोई सोल्यूशन निकाल पाता है या नहीं। धन्यवाद, आप बने रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़ के साथ और मैं हूँ आपके साथ राहुल तिवारी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।